खबर चूरू के तारानगर से है, जहां एसीबी की टीम ने दो कांस्टेबलों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आनंद स्वामी ने बताया कि तारानगर पुलिस थाने में मलसीसर निवासी मुकेश जाट के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में शिकायत दर्ज थी और इस मामले में पुलिस काफी दिनों से चालान पेश नहीं कर रही थी। चालान पेश करवाने के लिए मुकेश के मामा प्रभुदयाल पूनिया ने जब पुलिस थाने में संपर्क किया तो थानाधिकारी सुभाष ढील के रीडर राकेश ने 60,000 रुपये की मांग की। इस दौरान 50,000 रुपये में सौदा तय हुआ, जिसकी शिकायत परिवादी ने एसीबी में की, जिसके बाद एसीबी ने जाल बिछाकर 25,000 रुपये के साथ कांस्टेबल राकेश और मामराज को रिश्वत लेते दबोच लिया। एसीबी पुलिस अतिरिक्त अधीक्षक आनंद स्वामी ने बताया कि कार्रवाई की भनक लगने पर थानाधिकारी सुभाष ढील मौके से फरार हो गया। फिलहाल एसीबी की टीम दोनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। और उसकी जमानत के लिए वो लोग जब हाईकोर्ट तक गए, हाईकोर्ट ने कहा कि उसका पहले चालान पेश करवाओ, उसके बाद में हम जमानत गए। तो उन्होंने आके जो यहाँ एसएचओ लीडर है राकेश, एक मामला जमदार हो रहा है मालखानी चार्ज, उनसे बात की कि आप जल्दी चालान पेश करो, हमारी शादी है घर पर। तो इन लोगों ने कहा भाई चलाने से पेश नहीं करें, 60,000 रुपये लेंगे, चालान पेश करेंगे। लेकिन इनका 50,000 में तय हो गया, वो भी दो किस्तों में, 25,000 पहले, 25,000 सेकेंड टाइम देने। ये मामराज ने डिमांड की, मामराज और राकेश एक ही हैं, उसमें वार्ता में सब है कि ठीक चाहे राकेश हो चाहे मुझसे हो किसी से बात कर लो। तो उसी क्रम में आज वो परिवादी 25,000। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।